नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बुद्ध पूर्णिमा और भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष एवं आनंद बोधि वृक्ष की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री को बुद्ध स्मृति पार्क में बौद्ध भंते गौतम एवं रेप्ता भंते ने पूजा अर्चना कराई, जिसमें पार्क स्थित पाटलिपुत्र करुणा स्तूप में भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि के सामने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना कर सीएम ने परिक्रमा और ध्यान किया। इस दौरान सीएम ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठकर विश्व शांति के लिए मंगल कामना करते हुए राज्य एवं देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विपश्यना केंद्र जाकर वहां की सारी व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर ध्यान किया, जबकि इसके बाद सीएम बुद्ध म्यूजियम का भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री ने एक अन्य मार्ग स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध शिला और बोधि वृक्ष की पूजा अर्चना की। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार समेत कई विभाग के वरीय पदाधिकारी ने भी भगवान बुद्ध को नमन किया। मौके पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी की सदस्य श्वेता महारथी, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा सहित कई वरीय अधिकारी, बौद्ध भंते और गणमान्य लोग मौजूद रहे। वैशाख पूर्णिमा एवं बुद्ध पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैवीनाथ गंगा घाट एवं नमामि गंगे घाट में बिहार झारखंड के हजारों शिव भक्तों की भीड़ शुक्रवार को उमड़ी रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर भगवान शिव का जयकारा लगाया। वहीं इसको लेकर अजगैवीनाथ के पंडितों ने कहा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ गंगा स्नान कर भोलेनाथ की आराधना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इधर शिव भक्तों ने बताया कि 10 वर्षों से वैशाख पूर्णिमा के दिन वे सभी उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने पहुंचते हैं, जिसके बाद बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाकर महादेव के साथ भगवान गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं। वहीं बुद्ध पूर्णिमा को देखते हुए सुल्तानगंज नगर परिषद की ओर से गंगा के आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई की गई, जबकि पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज वैशाख पूर्णिमा है, वैशाख महीना पूरे भोलेनाथ का दिन होता है। इसमें लोग स्नान दान हरिद्वार में सिमरिया में कल्पवास करते हैं पूरे महीने का। आज अंतिम दिन है, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। कहाँ कहाँ के भक्त पहुँचे हुए हैं सर बाबा अजगैवीनाथ? आज झारखंड और बिहार ज़्यादा है। जी जी जी। और बुद्ध पूर्णिमा को लेकर भी जाए सर, गौतम बुद्ध को आज के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका महत्व है बौद्ध धर्म वाले के लिए, ये बुद्ध पूर्णिमा कहलाता है। असरगंज से आए हुए हैं। जी जी। प्रत्येक साल से 10 साल से हम लोग रेगुलर स्नान करने के लिए आते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गंगा स्नान करने के लिए, और ये जो होता है आज बुद्ध पूर्णिमा को जो भी स्नान करता है, जो भी मान होता है मान्यता पूर्ण होता है, जो भी स्नान करके मांगता है वो मान्यता पूर्ण होता है। भागलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय ठग बम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर शुक्रवार को भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि बीते 9 जनवरी 2023 को हुई ठगी मामले को लेकर सजौर थाना क्षेत्र के दरियापुर अश्वनी कुमार चौबे के पुत्र अजय शाश्वत के द्वारा ठगी के मामले को लेकर 29 जनवरी को लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें आवेदक ने राहुल नाम के एक व्यक्ति द्वारा फर्जी कस्टम इंस्पेक्टर बनकर ऑक्शन की गाड़ी उपलब्ध कराने के नाम पर विभिन्न अकाउंट में कुल 87,200 रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया था, जिसके और भी कई लोग के शामिल होने की बात कही गई थी। सिटी एसपी ने बताया कि सजौर थाने में दिए गए आवेदन में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद अनुसंधान के क्रम में पुलिस को पता चला कि मुंगेर टेटिया बम्बर निवासी सुनील सिंह का पुत्र बम्बम सिंह ही इस फ्रॉड कांड का मास्टरमाइंड है। वहीं इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर भागलपुर डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने मुंगेर निवासी मास्टरमाइंड बम्बम सिंह को देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिया चौकी से गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके अलावा उसके सहयोगी पश्चिम बंगाल बीरभूम निवासी सुरेश प्रमाणिक को तारापीठ थाना क्षेत्र और मुर्शिदाबाद निवासी निर्भय मंडल को रामपुर हाट थाना क्षेत्र से पुलिस टीम ने
गिरफ्तार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी ने कहा कि बम सिंह द्वारा कई जनप्रतिनिधियों से ठगी का मामला सामने आया है और उसके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है, जबकि उसके अन्य साथियों की भी तलाश जारी है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बम सिंह और उसका गिरोह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में कस्टम इंस्पेक्टर बनकर ठगी करता था। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कांड के उद्भेदन के लिए गठित की गई टीम का नेतृत्व डीएसपी गौरव कुमार ने किया, जबकि टीम में सजोर थानाध्यक्ष महाश्वेता सिन्हा, कजरेली थानाध्यक्ष नवनीत कुमार और डीआईयू एएसआई सिकंदर कुमार के अलावा सजोर थाना और डीआईयू के कई सिपाही शामिल रहे। 9/1/23 को एक एफआईआर दर्ज हुआ था सजोर थाने में। अर्जित शाश्वत, जो माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था कि उनके खिलाफ़ धोखाधड़ी हुई है 8,29,200 रुपये की। और एक कांड जो सजौर थाना में 29/23 दर्ज हुआ था, इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था और फिर बाद में अभियुक्त लोग का पता चला तो ये एक बहुत ही बड़ा गिरोह का एक मेंबर है, अंतर्राज्यीय ठग है बम सिंह, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ दो अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनका नाम है सुरेश प्रमाणिक और निर्मल मंडल। तो ये लोग काफ़ी जनप्रतिनिधियों के साथ ठगी कर चुके हैं और इनका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि ये अपने आप को कस्टम ऑफिसर या कस्टम इंस्पेक्टर बताते थे और उसके बाद उन नेताओं से संपर्क करके उनके साथ ठगी करते थे। तो काफ़ी दिनों से हम इसमें स्पेशल टीम बनाए हुए थे और लगातार छापेमारी की जा रही थी और टेक्निकल जो हमारा इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर हुआ और उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें जो टीम थी उसमें DYSP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव और सजौर थानाध्यक्ष महाश्वेता सिन्हा, कजरैली थानाध्यक्ष नवनीश कुमार और DIO की टीम थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। हम लोग 2 महीने से लगभग इसके पीछे थे और काफ़ी अच्छी सफलता भागलपुर पुलिस को हाथ लगी। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर पकरा गांव में मक्के की फसल तैयारी करने के दौरान हुए वज्रपात से एक किसान की मौत हो गई, जबकि एक किसान घायल हो गया। मृतक कृषक की पहचान लक्ष्मीपुर पकरा निवासी 60 वर्षीय तारनी मंडल के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान मिथुन कुमार के रूप में हुई है, जिसका इलाज नवगछिया के एक निजी क्लिनिक में कराया जा रहा है और उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने तुरंत मृतक तारनी मंडल को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना को लेकर मृतक के पुत्र परशुराम मंडल और अन्य परिजनों ने बताया कि मृतक तारनी मंडल अपने पुत्रों के साथ मक्के की पकी हुई फसल तैयार करवा रहे थे, तभी दोपहर के 1 बजे मौसम अचानक खराब हो गया, जिसके बाद दियारा से अधिकांश किसान घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन करीब आधा दर्जन से अधिक किसान वर्षा से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी जोरदार आवाज के साथ वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में तारनी मंडल और मिथुन कुमार आ गए। वहीं आवाज थमने के बाद लोगों ने देखा कि तारनी मंडल और मिथुन कुमार जमीन पर गिरे हुए थे, जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। अरे ठनका गिर रहे ठल्ली पे सर, बस ठनका जो गिर रहे नहीं तो सर हाइप गिर गए, बस अखनिए खत्म के खत्म तारनी मंडल पकड़ा छे के यहाँ नया बसलो छे हमरे घर लग लक्ष्मीपुर पकड़ा में, वहाँ गेल रहे कमो से बस वर्षा आबे रहे बस रुकी गेले बस दौनी करेल गेल रहे पर पकड़ा। कै बजे घटना होते ये अभी जे ठनका जे गिरले 1 बजे या साढ़े बजे कोई आरो आदमी रहे साथ में आरो आदमी हमी सब रहिए संग में। अच्छा घायल होलो कोई एगो आरो घायल होलो जो से प्राइवेट। बिहार के नालंदा जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैये के विरोध में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बाबा मनीराम के अखाड़ा परिसर की सीढ़ियों पर बैठकर सांकेतिक धरना दिया। दोनों भाजपा नेताओं ने इससे पूर्व बाबा मनीराम की समाधि पर जाकर पूजा अर्चना की, जबकि इसके बाद सांकेतिक धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार शरीफ को बिहार शरीफ कर दिया और इस बात की चिंता उन लोगों को ही
करनी है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर सूबे में किसी भी मुगल राजा या अंग्रेजों की पूजा नहीं होगी, जबकि भाजपा की सरकार बनने पर सिर्फ और सिर्फ भारत के वीर सपूतों और महापुरुषों की पूजा की जाएगी। साथ ही भाजपा नेता ने कहा कि इस मणिराम अखाड़ा स्थल पर वो संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में भाजपा की सरकार होगी। वही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी प्रशासन के द्वारा चुपके से राम जानकी की मूर्ति को बाबा मणिराम अखाड़ा परिसर में स्थापित करने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये जयचंदू की जमात हमारे संत और सनातन के संतानों को रोक नहीं पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राम जानकी की प्रतिमा को रोकने वाले रावण के विचारधारा रखने वाले लोगों की लंका में जल्द ही जनता आग लगाने का काम करेगी, जिसके बाद पुनः राम राज स्थापित होगा। बिहार शरीफ था और इसको बिहार शरीफ कर दिया, इसकी भी चिंता करनी है। भाजपा की सरकार बनाओ साथियों, इस प्रदेश में किसी मुगल राजा का पूजा नहीं होगा और ना अंग्रेजों का पूजा हम करेंगे। हम जब भी पूजा करेंगे भारत के वीर सपूतों का पूजा करेंगे। इसलिए हम प्रभु श्री राम के इस जन्म स्थान पर और आज यहाँ मणिराम अखाड़ा में जो भगवान राम की पूजा जहाँ होती है, हम लोग संकल्पित हो और इस तरह के रामनवमी के और भाजपा की सरकार इसलिए साथियों जरूरी है। ये जय चंदो की जमात सत्य सनातन के संतानों को भी रोक नहीं पाएगी और इनके संतों को, इनमें भक्ति रखने वाले को शक्ति ईश्वर की है और भगवान राम जो मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं, राम राज की कल्पना महात्मा गांधी जी ने भी किया था। संविधान के अंदर भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी विराजते हैं और इनकी प्रतिमा को रोकने वाले रावण के विचारधारा के लोग, ये बजरंग बली हनुमान जिसको बांधना चाहते हैं, वो लंका में आग लगाएगी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना के एक अन्य मार्ग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य की काराओं में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर 23 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सूबे के सभी 59 में से 36 काराओं में यह सुविधा पहले से उपलब्ध है और शुक्रवार को बाकी के सभी 23 कारा के लिए सीएम ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए एम्बुलेंस रवाना कर दिया। बता दें कि इन 23 काराओं में छपरा मंडल कारा, मधेपुरा मंडल कारा, बांका मंडल कारा, भागलपुर और बक्सर महिला मंडल
उपकारा समेत उपकारा बाढ़, पटना सिटी, दानापुर और नवगछिया उपकारा भी शामिल है। इसके अलावा भी कई उपकारा और मुक्त कारागार बक्सर के लिए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिससे बंदियों को बेहतर इलाज एवं आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में ले जाने में एम्बुलेंस उपयोगी साबित हो सके। बताया जा रहा है कि इन सभी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लड प्रेशर मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, स्ट्रेचर, इमरजेंसी मेडिसिन और पैरामेडिकल स्टाफ समेत जीवन रक्षक कई चिकित्सीय उपकरणों की सुविधा मौजूद है। मौके पर बिहार सरकार के कई मंत्री समेत विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर के जगदीशपुर बैजानी पेट्रोल पंप के समीप पीएस ट्रेडर्स का शुभारंभ किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा और जदयू के प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान विधायक अजीत शर्मा ने शोरूम के संस्थापक प्रदुमन पांडे को बधाई देते हुए कई जानकारी ली और पीएस ट्रेडर्स को ग्राहकों के लिए सुविधाजनक बताया। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर में खुले इस शोरूम में ग्राहकों के लिए कई सुविधा उपलब्ध है और यहाँ ग्राहकों को फाइनेंस एवं अन्य सुविधा भी मिलेगी, जिससे तरक्की की राह तैयार होगी। वही विधायक ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में अगर नौकरी की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ के लोग खुद का बिजनेस खोलकर आगे तरक्की की राह पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार केवल जनता से झूठे वादे कर ठगने का काम करती है। इधर संस्थापक प्रदुमन पांडे ने कहा कि ग्राहक इस शोरूम में हर एक क्वालिटी की गाड़ी 0% फाइनेंस पर भी ले सकते हैं, जबकि इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई प्रकार की सुविधा यहाँ मिल सकेगी। अशोक लेलैंड एक अच्छी कंपनी है और आजकल रोजगार के लिए तो जानते हैं कि केंद्र सरकार को रोजगार दे नहीं देता, तो यही सब गाड़ी खरीद के उनको अपने परिवार को चलाना होगा। इसलिए मैं आया था, उद्घाटन किया हूँ और मैं शुभकामनाएं इनको देता हूँ। डीलर को अच्छे तरीके से चलाइए और वो गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़िया से करिए ताकि भागलपुर का नाम हो, बिहार का नाम हो। सर हमारे यहाँ 0.5 टन से लेके 3.5 टन तक की गाड़ी अवेलेबल है। अशोक लेलैंड की, एसबी लेलैंड की सारी गाड़ी अवेलेबल है। भागलपुर में खास करके कस्टमर को दिक्कत आता था, वो उस कस्टमर टाटा से, महिंद्रा से ट्रस्ट है, उसके लेके अशोक लेलैंड कंपनी ने यहाँ पे डीलरशिप दिया। यहाँ कस्टमर को सारी चीज़ का सुविधा है, फाइनेंस वगैरह सारा चीज़ का, 0 डाउन पेमेंट पे गाड़ी उपलब्ध है हमारे यहाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।